है ना, तब तक किसी तरह आप काम चलाए। और बाकी तो जो है आपके प्रधान और सेक्रेटरी जुड़े होंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आपकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, इंटरनेट की व्यवस्था आप करें, क्योंकि आप सब चीजें ऑनलाइन है। आपका जो आवेदन होगा, कोई जन सामान्य आपसे आवेदन करने आएगा, जो G2C सेवाएं होती हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो 243 सेवाएं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से दी जानी है, वो आप तभी दे पाएंगे जब आपके यहाँ ये आवश्यक व्यवस्थाएं रहेंगी। भाई कागज या रजिस्टर अगर है तो इसकी व्यवस्था आप कराएंगे सेक्रेटरी साहब और आपके प्रधान जी। एक अपील और हमारी है ग्राम पंचायत सहायक से, सॉरी ग्राम प्रधान से और हमारे जो सचिव साहब हैं, जो भी हमारे पंचायत सहायक काम कर रहे हैं, इनका मानदेय प्राय देखा जा रहा है, इनका मानदेय जो है जनपदों में जो ये समस्या आ रही है कि जो है समय से इनके खाते में नहीं भेजा जा रहा है, तो ये नितांत ही जो है आपत्तिजनक स्थिति है कि अगर बिना किसी कारण के, अकारण जो है, अगर किसी पंचायत सहायक जो काम कर रहा है, अगर उसके खाते में पैसा, आप जो 6,000 रुपए जो मानदेय शासन ने निर्धारित किया है और 5-5, 6-6 महीने से आप अगर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ठीक नहीं है। तो कृपया आप शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित कर लें, अगर कोई इशू है, कोई बजटरी इशू है, कोई अगर मतलब कोई अगर टेक्निकल इशू है, तो आप अपने DPRO साहब को बताइए, क्योंकि अगर यहाँ से समीक्षा होगी तो फिर एडवर्स एक्शन होगा। अगर आप बेमतलब में अगर यहाँ पर मानदेय रोके हुए हैं, तो जो है फिर एडवर्स एक्शन यहाँ से होगा। अगर कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ग्राम आपका जो पंचायत सहायक फरार है बिना सूचना के, ग्राम सचिवालय में आपके बैठ नहीं रहा है, तो आप उसको जो है उसको बाहर का रास्ता दिखाने की कार्रवाई कर सकते हैं। प्रशासनिक समिति इसके लिए पावर्ड है, वो निर्णय ले सकती है।